गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। राजबब्बर ने कहा, कांग्रेस अपने सिद्धांतों को ताक पर रख कर किसी से नहीं करेगी गठजोड़। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम के पक्ष में आए थे करने प्रेस वार्ता। मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन ने कराई वोट फॉर रन थीम से दौड़। डीएम सहित जिले के सभी हाकिमों ने दिखाया अपना दम। स्कूली बच्चों सहित भारी संख्या में प्रतिभागियों ने किया शिरकत। गोरखपुर पहुंचे वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा, जल्द ही पूरा होगा चिड़ियाघर का काम। विनोद भवन भी बनेगा पर्यटक केंद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की बैठक। पोलिंग पार्टियों के रवानगी और स्ट्रांग रूम की दी गई जानकारी। चित्रगुप्त मंदिर के सम्मान समारोह में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भाजपा प्रत्याशी पर नहीं पड़ेगा गठबंधन का असर। राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने किया साइकिल का साथ, कहा सपा के साथ ही है किसानों का भी हित। हमेशा के लिए बंद हो गया कौवा बाग क्रॉसिंग का रेलवे ढाला, जल्द ही पूरा होगा अंडरपास। गोलघर के अतिक्रमण पर चला नगर निगम प्रशासन और यातायात पुलिस का चाबुक। दीक्षा भवन में प्रशिक्षण ले रहे मतदान कर्मियों को डीएम ने दिए टिप्स, कहा सकुशल संपन्न कराएं चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व आयोजित गोष्ठी में महिलाओं के अधिकार पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। पीठासीन व मतदान अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव के लिए किया गया प्रशिक्षित। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय कार्यशाला का हुआ होली मिलन समारोह। भाई जी की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गीता वाटिका में शुरू हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में आतिफ एकेडमी ने रेलवे वर्कशॉप पर 9 रनों से की रोमांचक जीत। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजबब्बर गोरखपुर से लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी सुरीता करीम के पक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन महानगर के टाउन हॉल स्थित एक स्थानीय होटल में किया। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने आगे इस संदर्भ में वार्ता करते हुए कहा, साथ में हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारे कांग्रेस पार्टी की लोकसभा की प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता जी यहाँ पर हैं। बहुत साफ है हमारा मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अरे हिलाओ ना यार। फूलपुर और गोरखपुर में एक माहौल सा कल से बना हुआ है कि शायद कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी किसी गठबंधन के प्रत्याशियों को या प्रत्याशी को समर्थन देकर बैठने वाले हैं। मैं इसको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते ना मेरे पास में इस तरह का किसी ने कोई संदेश दिया मेरी पार्टी के किसी नेता ने। कांग्रेस पार्टी के मेरे जनरल सेक्रेटरी प्रभारी उत्तर प्रदेश शिवराम नबी आजाद साहब ने, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को सम्मानित नेता है ना, उन्होंने हमें किसी तरह का कोई संदेश या कोई किसी तरह का कोई अंदेशा भी बता दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम हम बाकी तमाम बातों को पटाक्षेप करते हुए इस बात के लिए कि डॉक्टर सुरीता कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश गोरखपुर की विधिवत प्रत्याशी है,
और हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता इस चुनाव में पूरे समर्पण के साथ एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि ये जीत कांग्रेस के विचार की होनी चाहिए। कांग्रेस का विचार समाज का उत्थान, समाज की प्रगति। हमारा गठबंधन, हम बार बार यही कहेंगे कि हमारा गठबंधन जरूर होगा और उसके साथ में होगा जिनका इसका सही लाभ जिनको पहुंचना चाहिए, वो है समाज, वो है जनता, वो है गरीब। हमारा गठबंधन इसलिए नहीं होगा किसी के साथ भी कि तू मुझे क्या देगा और मैं तुझे क्या दूंगा। हमारा गठबंधन किसी एक हाथ दे और एक हाथ ले के लेकर नहीं होगा, बल्कि हमारा गठबंधन होगा कि हम हर उस गरीब की, जो हमारे नेता राहुल गांधी का लक्ष्य है, उनको मजबूत करना कांग्रेस पार्टी का जो एक लक्ष्य है कि जब तक इस देश का गरीब मजबूत नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। और देश को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के लिए लक्ष्यबद्ध है हमारा नेता राहुल गांधी जी, जो हमारे अध्यक्ष है, वो लक्ष्यबद्ध है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख दिया। इस तरह की बातों को कहकर मैं हर उस समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति से उम्मीद करूंगा कि वो देश के संविधान पे को ध्यान रखते हुए इन बातों को ना उछाले, इससे समाज में किसी भी तरह का उत्तेजन पैदा हो। कल आपने कहा था कि सपा और बसपा का गठबंधन जो है चुनाव के दौरान ऐसा क्या वो विधानसभा के साथ आई बोले किस तरह की बातें? कल नहीं, मैं तो आज भी कहने को तैयार हूँ। कल मैंने बहुत साफ कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, गठबंधन तो हमारे साथ भी था, लेकिन गठबंधन किसी स्वार्थ के लिए नहीं था, एक मकसद के लिए, एक कॉज के लिए था, एक विचार के लिए था। कांग्रेस पार्टी का विचार इस देश में अमन और चैन का विश्वास जो विचार है, उस विचार को लेकर था, और प्रदेश के अंदर अमन चैन रहे उसको लेकर था। हमने ये नहीं कहा था कि मुझे राज्यसभा दे दो और उसको विधान परिषद दे दो। कितनी ताकतें बढ़ गई, एक ही ताकत रखी है उसको लड़ने के लिए, जो है स्वास्थ्य सामने आएगा तो लड़ाई नहीं की जा सकती। इस गठबंधन से मैं नहीं जानता किसको ज्यादा फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, लेकिन जो स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे उनका तो नुकसान ही होगा। साफ छछूदर की गठबंधन बताया, क्या इस्तेमाल आप मानते सही है? मुझे नहीं कहना, गोरखपुर में हूँ मैं, डर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ क्योंकि मैं उस मंदिर की गरिमा से डरता हूँ। इस मंदिर के वो महंत थे, मैं उनसे नहीं डरता, उनके गिरुआ वस्त्र से डरता हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए कोई ऐसे शब्द ना बोलूं जिसमें उनके उस पूरे जो एक व्यवहार, जो एक नजर आता है उनका आडंबर, उसके ऊपर किस तरह की टिप्पणी। चुनाव में जरूर हम लोग कहीं ना कहीं, हमारे 32 सांसद होने के बावजूद भी हम सरकार नहीं बना पाते हैं। 23 थे 32 थे वगैरह 23 सांसद थे, विधायक 23 विधायक होने के बावजूद भी हम सरकार नहीं बना पाए। गोवा में हम जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री को, बीजेपी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को हराने के बाद भी हम चुनाव नहीं जीत पाए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हमारे पास में हमने किसी ऐसी उद्योगपति को, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को, किसी धनपशु को हमने 11,000 करोड़ रुपया, 72,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं दिलवा पाए तो शायद ये सांसद, ये विधायक भी हमारी तरफ नहीं आ पाए। सरकारें बनाने से कुछ नहीं होता,
सरकारें जरूर बन रही हैं, लेकिन लोगों के बीच में जो विरोध पैदा हो रहा है उसका सामना शायद बीजेपी या संघ के लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल होगा। कहते हैं ना कि उनके हाथ में जो है उस तरह आ गया है, पूछ रहे हैं, लेकिन ना भूलें कि उस तरह का उन पर भी चल सकता है। राजीव, पहले गठबंधन था, अब नहीं है, जनता क्या सोच रही होगी? भ्रमित तो नहीं है इस चुनाव में? नहीं, भ्रमित तो उन लोगों से होगी जिन लोगों ने ये अक्सर होता रहा कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बहुत लोग 89 से इकट्ठे हुए हैं, और जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है और 89 के बाद से कमजोर हो रही है, इस देश का गरीब कमजोर हो रहा है, इस देश का किसान कमजोर हो रहा है, इस देश का ताना बाना कमजोर हो रहा है, और ये साफ नजर आ रहा है। 93 के अंदर जो लोग मजबूत हुए हैं और जिन्होंने सरकारें बनाई थी, सरकार पहले सबने दोनों ने मिलकर बनाई और उसके बाद में अलग अलग हुए, पहले अलग होके उसने बीजेपी के साथ में बनाई और उसके बाद में जब दूसरी वापस आए तो वही चंबाली सांसद विधायक तोड़ने के बाद में बीजेपी के ही स्पीकर महोदय की मदद देकर फिर सरकार चलाई। तो बीजेपी ऐसे लोगों को जो हिम्मत देती है, मदद करती है और आज शायद उसकी मदद का फायदा भी उठाना चाहती है, जनता करेगी। 2019 में जिस तरह से गुजरात के अंदर बढ़त लेने के बाद में और जिस तरह से 3 सांसद हमारे राजस्थान में जीते हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस को जीत विजय मिली है, ये 2019 में उसका परिणाम नजर आया। यहाँ तो 4 साल की सरकार है, अब वहां पर जीतने के बाद में जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों के थैले बोरे खुले हैं, आभार देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने थैले बोरे खोले। 11 मार्च को गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के निर्वाचन में 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लगातार जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। जहां एक ओर सोमवार को नौका दौड़ का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर मंगलवार को रन फॉर वोट सूत्र वाक्य के अंतर्गत दौड़ का आयोजन पैडलेगंज स्थित बुद्ध द्वार से नौका विहार तक किया गया। इस दौड़ में सभी एक ही रंग की पोशाक पहने, मानो यही संदेश दे रहे हो कि मतदान जरूर करना। मतदान जागरूकता के लिए यह रन फॉर वोट दौड़ को जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी इस रेस में शामिल हो गए। जिला प्रशासन के इस कवायद से जिले के सभी आला अधिकारी, जिसमें एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार सहित स्कूली बच्चे भी और एसएसबी के जवान, एनएसएस के छात्र छात्राएं भी अपने पूरे दमखम के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोगों को अधिक से अधिक मतदान का संदेश के लिए अपनी एकजुटता दिखाई। दौड़ने वाले कदम भले ही कुछ बड़े थे और कुछ छोटे, मगर संदेश एक ही था, एक कदम मतदाता जागरूकता की ओर। दौड़ में सबसे आगे चल रहे प्रशासनिक अधिकारी गोरखपुर जिला प्रशासन की ओर से गोरखपुर के 19.5 लाख मतदाताओं को ये संदेश दे रहे थे कि अगर लोकतंत्र का तंत्र बचाना है और उसकी धमनियों में रवानगी बरकरार रखनी है तो मतदान अवश्य करें। सभी ने इस दौड़ को, जो कि 2.5 किलोमीटर की थी, पूरा किया और नौका विहार जाकर यह रन फॉर वोट थीम वाली दौड़ का समापन हो गया। दौड़ के खत्म होने के बाद जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि अगर आपको अपनी फिटनेस की सही जांच करनी है तो दौड़ उसका सबसे सही माध्यम है। अपने संबोधन के बाद जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रतिभागियों को 11 मार्च को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में मतदान अवश्य करने की शपथ भी दिलाई। गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने अपने इस नवीन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, उछरी उछरी चली जा रही, देखो तो सबके मोहरे पे खेल रही मुस्कान, देखो तो
सबके मोहरे पे खेल रही मुस्कान। चलूंगी संग तेरे ही अजी, मैं भी तो करूंगी मतदान, मैं भी तो करूंगी मतदान। नई नई है आज मैं दिल लगा नई है, तन के साड़ी नई नई है आज मैं दिल लगा नई है। मौके सही न जावे बलमा, मचल रही तो करूंगी मतदान, मैं भी तो करूंगी मतदान, मैं भी तो करूंगी मतदान। भारत निर्वाचन आयोग एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कर ली है पार, तो देने का मिला है हर ओर, लोकतंत्र की हमारे हाथ बांध दो। हम है किसान चाहे हम मजदूर, खाते हैं कसम वोट डालेंगे जरूर, काफिला हमारा लाएगा सुनहरी भोर, काफिला हमारा लाएगा सुनहरी भोर, लोकतंत्र के हमारे हाथ बांध दो। चले बिना शराब ना चलेंगे अब मोट, लाएगा विकास जो खुशी को दे। का कह रहा है ये निशान, हम सब है एक खून एक हिंदुस्तान, लोकतंत्र का करेंगे नाम चारों ओर, लोकतंत्र की हमारे हाथ Thank you.
नॉट अ रन फॉर वोट, आप सभी को ये चाहिए। बेसिकली द फिटनेस इन अ ह्यूमन्स बॉडी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और फिटनेस का टेस्ट क्या है, दौड़ के देखिए। If you feel that after running about 50 paces, 100 paces, you get out of breath, उसका मतलब ये होगा कि you are not fit. Especially my dear sports girls and sports boys from the hostel and from the sports stadium. कौन कौन है स्पोर्ट्स स्टेडियम से, स्पोर्ट्स कॉलेज से? आप सब दौड़े? वेरी नाइस। तो जो भी कॉलेजेस के बच्चे आए हुए हैं उनको मेरा ये सजेशन है कि आप लोग, और जो बॉयज हु आर वेरी हैप्पी पंपिंग आयरन इन द जिम्स, जो मसल्स वसल्स बनाते हैं, उनको मेरा ये मशवरा है कि ठीक है मसल्स बनाइए, बॉडी शोकेसिंग के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल फिटनेस दौड़ने से आती है। ये फेस्टिवल है, दैट इज पोलिंग, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। अनलेस यू कास्ट योर वोट यू नॉट हैव अ कैंडिडेट ऑफ योर चॉइस, तो ये जरूर करना चाहिए। और नॉट दैट दिस वॉज द लास्ट प्रोग्राम अबाउट रनिंग, मे बी आफ्टर द इलेक्शन इज ओवर हम लोग और भी कोई अच्छा दौड़ने का प्रोग्राम कर सकते हैं, जस्ट टू मेक द जनरेशन, द यंग जनरेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फिट एंड फाइटिंग। तो ये इसका उद्देश्य था। आप में से वोटर्स कितने लोग हैं? वेरी नाइस। और जो और बच्चे हैं जो आने वाले कुछ सालों में वोटर्स बनेंगे, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि 1 जनवरी इज द कट ऑफ डेट किसी भी साल की। जिस 1 जनवरी को आप 18 साल के हो जा रहे हैं तब आप वोटर बनने के लिए एलिजिबल हो गए। फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स अप टू दिसंबर जनवरी होता है, तो इसमें जब भी आप 18 साल के हो रहे हो, मान लीजिए अभी हम लोग 2018 में हैं और इस साल आप कभी भी 18 साल के हो जाएं दिसंबर 31 तक, तो 1 जनवरी को यू आर एलिजिबल टू फिल इन योर फॉर्म 6, उसको भरिए और डेमोक्रेसी के इस प्रोसेस में आप लोग पार्टिसिपेट करिए वोटर बन के। हम लोगों ने वोटर अवेयरनेस के लिए बहुत प्रोग्राम्स कराए हैं डिस्ट्रिक्ट में। इस बार बहुत से कॉलेजेस में हम लोगों ने ऐसे कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन एंड डिबेट्स, क्विज कॉन्टेस्ट, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कराई, जिससे कि हमारे जो यंग जनरेशन है जो आने वाले समय में वोटर बनेंगे या जो ऑलरेडी यंग वोटर्स हैं वो इस बात से रूबरू हूँ, इस बात को समझें कि वोटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट इसमें किया, आई एम थैंकफुल फॉर दिस। और जो हमारे फोर्सेस से SSB से या कहीं से भी पुरुष लाइन से या PSC से जो हमारे रिक्रूट्स भी यहाँ पर आए, मैं उनका भी आभार करता हूँ।
आपको ये भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश के डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग की पोस्टिंग रहती है, और हमारे एक दोस्त, अभी हमारा एक पुराना जिला था जहां कलेक्टर रहे, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद आप सभी। क्या उद्देश्य इसका? देखिए, हम लोगों के यहाँ बाई इलेक्शन है और इसका 11 मार्च को वोटिंग होना है। हमारे यहाँ करीब 19.5 लाख वोटर इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो हम लोग निरंतर जब से चुनाव की घोषणा हुई है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके कि हमारे सारे के सारे वोटर्स इस बात के लिए अवेयर हों, उनमें जागरूकता हो कि वो 11 मार्च को अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये एक श्रृंखला हमने बनाई है इवेंट्स की, उसी की कड़ी ये भी है। जैसे कल हम लोगों ने यहाँ पर इसी रामगढ़ ताल में एक नौकायन का प्रोग्राम का एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर किया था और वो बड़ा सफल रहा था, हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट उसमें किया। आज जो ये रन फॉर वोट हमने किया, इसमें आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में स्कूल्स, कॉलेजेस के बच्चे आए, हमारे जो यहाँ पर SSB की बटालियन है उसके भी लोग आए, हमारे जिला प्रशासन के और विभिन्न विभागों के तमाम ऑफिसर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस 2.5 किलोमीटर लंबी दौड़ में दौड़े और एक मैसेज दिया सभी वोटर्स को कि 11 मार्च इज़ द डे, निकलिए, मताधिकार का प्रयोग करिए। सर, इंडोर एक्टिविटीज़ में आप लोगों ने क्या किया है? इंडोर एक्टिविटीज़ में हम लगातार लगे हुए हैं। हम लोगों ने स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, इन सब को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करके और क्विज कॉन्टेस्ट कराए हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराया है, एस्से कॉम्पिटिशन कराया है, स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन कराया है, वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई है। तो इस तरह से सबको ऑर्गेनाइज किया है, उसका मीडिया के माध्यम से अच्छा प्रचार प्रसार भी हुआ है और मुझे लगता है कि हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर अब पूर्णतः तैयार है और 11 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर का बाउंड्री जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर 2018 तक पूरा चिड़ियाघर का निर्माण भी हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गोरखपुर के विनोद वन को भी आगामी दिनों में उसका सुंदरीकरण कर पर्यटन के योग्य बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इस प्रदेश के चिड़िया जो घर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो तेजी से काम प्रारंभ हुआ है, दिसंबर के अंत तक पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और उसका जो पहले 113 करोड़ लगना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के रुचि के नाते उसका जो मुख्यमंत्री की काफ़ी रुचि है, यह जो चिड़ियाघर है काफ़ी बढ़िया हो, अच्छा हो और ख़ास करके वाइल्ड लाइफ के व्यापक हित में हो, इसी में कह सकता हूँ कि उसका एस्टिमेट बढ़ा है और 236 करोड़ का 113 करोड़ तक पूरी तरीके से गोरखपुर के लोगों की एक बड़ी उपलब्धि होगी, एक बढ़िया चिड़ियाघर आपको। बुढ़िया माई आप गए थे? नहीं, मैं विनोद वन गया था। विनोद वन बुढ़िया माई का स्थान भी देखने वहाँ गया था, तो मुझे लगा कि ये भी मतलब जो पर्यटन के दृष्टिकोण से खास करके गोरखपुर के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की रुचि है और यहाँ के लोगों का भी जो रुझाव है, तो मुझे लगता है उसके विकास के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री की रुचि है। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी पर्यटन का अच्छा स्थान उनको मिले, इसलिए विनोद वन और बुढ़िया माई के दोनों का भी संयुक्त रूप से विकास की योजना उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। सोहगी बरवा, कतरनिया,
दुधवा चूका पीलीभीत ये सारा का खासकर जो सोगी बरवा इसको खुद माननीय मुख्यमंत्री जी इंटरेस्टेड हैं। अभी जब हम लोग दुधवा में जब उन्होंने गया था इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करने, तभी उन्होंने कहा कि सोगी बरवा को उसमें देखी जो हेरिटेज ट्रेन उसमें चलती थी उसको भी उन्होंने कहा कि इसको अपग्रेड करके इसको भी चलाया जाए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री को बधाई से ले भी दूंगा कि दुधवा में भी कतरनिया से लेकर दुधवा तक खास करके 30 किलोमीटर बीच में जंगल के बीच में तो ट्रेन चलती थी नैरो गेज पे और भारत सरकार से व्यक्तिगत उन्होंने आग्रह करके इस गोल को उठा वो उसने क्योंकि उसको हाई कोर्ट ने हटाने का आज पेपर में आप पढ़े होंगे हटाने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। पहले के फॉरेस्ट अफसरों ने जो रिक्वेस्ट किया था देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध के बाद रेल मंत्री ने इस बात पर स्वीकार किया कि देश का पहला हेरिटेज ट्रेन यहाँ चलेगा दुधवा में करीब कुल लगभग 30 किलोमीटर के करीब होगा और मुझे लगता है देश का पहला मीटर गेज है ना जरूर मीटर गेज हाँ मीटर गेज है पहला जो है हेरिटेज ट्रेन बनेगा जो जंगल के बीच में इतनी दूरी तय करे कि बाकी देश का कोई भी नेशनल पार्क ऐसा नहीं है। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 10 मार्च को पोलिंग केंद्रों पर रवाना होने वाली पोलिंग पार्टियों तथा मतदान के पश्चात ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को पोलिंग पार्टियों के रवाना होने वाले स्थल की जानकारी दी। बैठक में सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव सहित अन्य प्रतिनिधि सभी एआरओ और चुनाव प्रेक्षक मौजूद रहे। तो उन दोनों पार्ट्स पर हम लोगों ने काउंटर्स बना दिए हैं अगर आप अभी भी जाके देखेंगे तो उसकी व्यवस्था चल रही है। कराने के लिए ऐसी व्यवस्था की है कि एक काउंटर पर 10 पोलिंग पार्टी से ज्यादा नहीं होंगी। अमूमन निर्वाचन की व्यवस्थाओं में 25 से लेकर 30-35 पार्टी तक एक काउंटर पे होती है जिसपे थोड़ा विलम्ब भी होता है और कुछ असंयम का भाव भी पार्टीज में आता है विशेष रूप से जब वो पोल करा के आती है तो उनको लगता है कि हमारा काम जल्दी हो तो उसको व्यवस्थित करने के लिए और उसको त्रुटि रहित करने के लिए हम लोगों ने बड़ी संख्या में काउंटर्स बनाए हैं। मान लीजिए कि किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 410 बूथ्स हैं तो 41 काउंटर्स बना दिए हैं। और नेक्स्ट कन्वेंशन हॉल में गोरखपुर ग्रामीण डिस्पैच के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो गोरखपुर ग्रामीण है दीक्षा भवन आप सभी जानते हैं उसका परिसर है वहाँ से गोरखपुर ग्रामीण का डिस्पैच होगा और फिर जो कला संकाय है वहाँ से गोरखपुर शहर का डिस्पैच होगा और जो बैडमिंटन हॉल का परिसर है जो संवाद भवन के बराबर में है वहाँ से कैंपियरगंज का डिस्पैच होगा। तो आप लोगों के लिए एक आवश्यक चीज़ ये है कि जिस समय हम लोग डिस्पैच का काम करने लगे और सुबह हम लोग कंप्यूटर्स को स्ट्रॉन्ग रूम को खोल के मशीन्स को बाहर निकालें इन पोलिंग पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तब आपको नोटिस के माध्यम से भी जानकारी होगी नोटिस जारी करेंगे। इसको ये शहर होगा कला संकाय ग्राउंड के सामने है कला संकाय वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी बिल्डिंग तब वहाँ पर अनिवार्यता आवश्यक होगी जिस समय हम स्ट्रॉन्ग रूम खोलें इन मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो मेहरबानी करके कैंडिडेट्स या प्रतिनिधि या कोई भी आपके जो ऑथराइज्ड व्यक्ति हैं वो वहाँ पर जरूर रहें। और 11 तारीख को पार्टी से ईवीएम्स और बाकी इलेक्शन मटेरियल वापस लेंगे तब करते रही उसमें हमें कोई समस्या नहीं आपका स्वागत है। और जिस समय एक किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारी ना केवल वहाँ रहें आप पूरी उसकी पूरी प्रक्रिया देखें उन्हीं की कस्टडी में रहे और 12 और 13 में दो दिन बीच में 14 को जब हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये काउंटिंग की व्यवस्था भी कैसे रहेगी वो भी आपको बता दे रहे हैं। वाणी संकाय से शुरू करिए एडीएम साहब वाणी संकाय में होगा जहाँ से जिसका डिस्पैच और रिसीव हो रहा है उनकी काउंटिंग वही होगी और वहीं पर जो संकाय पर आरओ की टेबल भी रहेगी आरओ यानी हमारी टेबल रहेगी और ऑब्जर्वर्स भी सामान्यतः वहाँ रहेंगे और हमारे एक ऑब्जर्वर
जिनके पास, क्योंकि हमारे दो जनरल ऑब्जर्वर्स हैं, एक तो माधवी जी हैं, आपके पास तीन क्षेत्र हैं, वो तीन क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण है, गोरखपुर शहर है और कैंपरगंज है, और हमारे सुबोध जी हैं ऑब्जर्वर साहब, आपके पास सैजनगंज और पिपराइच है। कितने आ जाएंगे अभी तक, कितने आ गए हैं? चित्रगुप्त मंदिर के तत्वावधान में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कायस्थ समाज के लोगों ने मंत्री जी का स्वागत किया। समारोह में मंदिर के अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, कायस्थ समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर कायस्थ समाज के लोगों ने मंत्री के आगे समाज की पीड़ा व्यक्त की। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कायस्थ समाज ने हमेशा राष्ट्र हित के लिए राजनीति की है, और वो दौर था जब इनका राजनीति में महत्व था, लेकिन हालात बदल गए और राजनीति भी बदल गई। कार्यक्रम के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विरोधी घबरा गए हैं और लगातार गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पर कोई भी असर इससे नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा, बहुत स्वागत के साथ मैं मंच पे मालूम करते हुए मैं नीता श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ। भूल जाए सवाल यह होता है कि आज यह पीड़ा हमें क्यों है, जब 90 के दशक के बाद जातीय राजनीति शुरू हुई तो काय समाज की स्थिति क्या है, माननीय मंत्री जी आपसे छिपा रही उन्हीं बातों को बार बार दोहराने से हमें कोई लाभ नहीं। एक निवेदन करेंगे, एक पीड़ा है जो आपके सामने नहीं व्यक्त करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के सामने नहीं व्यक्त करेंगे तो किससे करेंगे। हम ये मानते हैं कि कुछ वर्षों तक काय समाज राजनीतिक अवसाद में चला गया, लेकिन अब उस अवसाद से बाहर आया है। उनको भी लगा कि ये जो करते हैं तो हमारे यहाँ भी बहुबली, तो बहुबली को आगे ले जाओ, गौरव उठा उसके पीछे खड़े होने लगे। उसी पीरियड में गोरखपुर के पास भी कायस्थ है, मैं ये परिवार की पीड़ा नहीं कह रहा हूं, आपके पास भी आया था मैं दो टर्म के बाद तीसरे टर्म पर खड़े होने को तैयार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों को जो करना था वो हम कर नहीं पाए, और अब हम वो बात उठा रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मगर हमें अपना डीएनए भी समझना पड़ेगा। हमारा डीएनए क्या है? हमारा डीएनए जो है वो कहीं ना कहीं कोटि कोटि राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित डीएनए हमारा है। कहीं ऐसा नहीं होता तो विवेकानंद जैसे व्यक्ति नहीं पैदा होते, राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति नहीं पैदा होते, लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति नहीं पैदा होते राजनीति में, ना ही जयप्रकाश नारायण होते। हमारा डीएनए ऐसा नहीं होता तो विवेकानंद जब शिकागो से वापस आते हैं तो भारत के तट को देखते हैं समुद्र में, वो कूद जाते हैं और चढ़ के आते हैं और मिट्टी में अपने आप को लोट पोट कर लेते हैं और मिट्टी अपने अंदर लपेट लेते हैं, क्योंकि वो भारत की मिट्टी थी। तो ये डीएनए हमारा है कि नेहरू जी के बाद इतना बड़ा कद वाला व्यक्ति के बाद लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनते हैं और 18 महीने के लिए बनते हैं, पर देश आज भी याद रखता है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के अंदर कोटि कोटि एक ही बड़ी थी, वो राष्ट्रभक्ति बड़ी थी और वो 18 महीने में उनका नाम आया। देखिए जो कमजोर है वो बैसाखियां ढूंढ रहा है, तो सपा कमजोर नहीं होती तो बैसाखी का सहारा नहीं लेती, और एक राज्यसभा किसी को नहीं दी होती, तो ये समझौता हो रहा है। हम मजबूती से लड़ रहे हैं इसलिए हम लोगों की जीत सुनिश्चित है, और जो कमजोर दिख रहा है वो बैसाखी का सहारा लेते हुए अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। पर मुझे नहीं लगता जनता को या उस वोट बैंक को
इसका इस पे कोई असर पड़ने वाला है और जो हार है सपा की वो उसका मार्जिन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी दोनों चुनाव फूलपुर का और गोरखपुर का विकास के आधार पर लड़ रही है और विकास ही हमारा एजेंडा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व जोन के अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार ने प्रेस वार्ता कर अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद को दिया है। यह जानकारी उन्होंने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस सभागार में एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने समर्थन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, देखिए मैं गंगा सिंह सैथवार राष्ट्रीय लोकदल का पूर्वी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी किसानों के हितों पे हमेशा काम करती आई है। हमारे पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को इस देश के सभी लोग किसानों का मसीहा कहते थे और हम लोग हमेशा किसानों के मुद्दे पे को लेकर के सरकार को घेरने का काम करते हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में चाहे प्रदेश में सरकार बनी तब से किसानों का उत्पीड़न बढ़ गया, किसान आत्महत्या कर रहा है। इसको लेकर के हम लोग आज समाजवादी पार्टी को समर्थन देने गोरखपुर लोकसभा के चुनाव में आए हुए हैं और आज से हम लोग लग करके समाजवादी पार्टी को गोरखपुर फूलपुर दोनों लोकसभा को चुनाव जिताने का काम करेंगे। गोरखपुर न्यूज ने कुछ ही दिनों पहले अपने एक विशेष कवरेज के दौरान आपको बताया था कि गोरखपुर का कौवाबाग रेलवे क्रॉसिंग 6 मार्च से अंडरपास की वजह से बंद हो जाएगा, जो कि मंगलवार को यह रास्ता इतिहास हो गया और यह ढाला जो लगभग 35 से 38 बार दिन में रोज खुलता था हमेशा के लिए बंद हो गया। आपको बताते चलें कि अंडरपास बन जाने से धर्मशाला और मोहद्दीपुर के पुलों का लोड कम होगा, लेकिन इसके साथ ही इससे भारी वाहन कौवाबाग की ओर से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। Thank you.
शहर की हृदय स्थली माने जाने वाले गोलघर के बाजारों पर एसपी सिटी विनय कुमार सिंह और एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में विशेष अभियान के तहत शास्त्री चौक से लेकर गणेश चौक तक दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इस बीच जिन दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने अतिक्रमण किया था या तो अपनी दुकान के जो कुछ भी सामान रखे थे उसे यातायात पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि कुछ दुकानदारों ने प्रशासन के साथ नोकझोंक भी की, लेकिन प्रशासन अपने अभियान को जारी रखते हुए उन पर सख्त कार्रवाई किया है। Yeah.
विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें उनको सकुशल मतदान के संबंध में मास्टर ट्रेनरों द्वारा ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है। मतदान अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण का जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी,
राजीव रौतेला ने जायजा लिया और ट्रेनिंग ले रहे कर्मियों को टिप्स भी दिए। जिलाधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, डीडीओ बब्बन उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया, पीठासीन अधिकारी की डायरी उस रूप के जो भी यहाँ प्रभारी मजिस्ट्रेट हैं, एक जिला स्तरीय अधिकारी हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, इनका पूरा रूप दे और उनकी रिस्पॉन्सिबल तो कोई अफरा तफरी में जल्दबाजी में जान पहचान में ये कोई जेल थोड़ी, ये सीखने का एक मंदिर है, इसमें जल्दबाजी नहीं करेगी। और व्यक्ति वही अच्छा होता है जो अपने काम को जानता है। तो आप लोग कोई भी इधर उधर का ध्यान मत करिए, मैं देख रहा हूँ कई लोगों के फॉर्म्स फंस रहे हैं, हमें से कोई इतने महत्वपूर्ण पद पे नहीं है कि हम अगर फॉर्म बंद कर देंगे दो घंटा ढाई घंटा तो बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो जाएगा। खत बकवास करते हैं, फॉर्म आउट नहीं करते। पब्लिक प्लेस पे जाते हैं आप मध्यस्थ पर, जहाँ पर आपके 1000 1200 1100 1400 900 वोटर आ रहे हैं, वो सब ये मान के आते हैं कि ये सब अपने काम में दक्ष है। बहुत सिंपल काम है, इतनी व्यवस्था हमने की है हमारे ये, आपको आप एक सेशन में आ रहे हो, ये सेशन का सेशन पूरे दिन में 3 सेशन कर रहे हैं, लगातार 5 दिन करेंगे, पहले 4 दिन कर चुके हैं। तो आप लोगों के लिए व्यवस्था इसलिए की है कि आप इस कमरे से तभी जाओ, तभी इनके पास आओ कि साहब सर्टिफिकेट मुझे दीजिए, जब अपने आप से सवाल कर लो कि मैं फिट हूँ, अब मैं तो गलती नहीं करूँगा, अब मैं अच्छे से करूँगा। लोकल बॉडीज के चुनाव में जिन लोगों ने त्रुटियां की हैं, बहुत गहन सजा मिली है उनको, सर्विस रिकॉर्ड खराब हो गया है। करीब 12,000 कार्मिक इसमें लगे हुए हैं और कोई बुजुर्ग के लोग भी हैं। तो
ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कल से शुरू हुआ है और ये 5, 6, 7, 8, 9 ये चलने वाला है। ये हमारा सेकंड फेज़ है। पहले फेज़ में आपको पता है कि हम लोगों ने 24 से 27 तक ट्रेनिंग कराई है। उसमें हमारे पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 ये आए थे और इस वाले में हमारी पूरी पोलिंग पार्टी आई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, 2, 3, 4 सभी आए। तो हम लोग उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार से करा रहे हैं कि हमारे जो एक जनरल सत्र होता है जो हॉल में होता है, इसमें जनरल बातें इनको बताई जाती हैं। उसके बाद हमारे 16 हॉल्स हैं यहाँ पर, उन हॉल्स में हम लोग इनको 10-10 टीम्स को ले जाते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उनके चारों पोलिंग अधिकारियों को एक साथ बिठाते हैं। एक टीम के रूप में वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, किसको क्या प्रक्रिया मतदान के दिन करनी है वो समझ जाता है। और फिर उनके साथ ही हम ट्रेनिंग कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT पे कराते हैं, जिससे ये पूरी तरह पारंगत हो जाएं। और जब ये पूरी तरह पारंगत हो जाते हैं और हमारे मास्टर ट्रेनर उनकी टीम ये पाती है कि आप ये दक्ष हो गए हैं, उसके बाद ही इनको सर्टिफिकेट जारी करते हैं और तभी ट्रेनिंग समाप्त होती है। पर्ची बांटने का काम ये 4 तारीख से आरंभ हुआ है और आज 6 तारीख की रात्रि तक का इनको समय दिया गया है। तो कल जो हमने रिव्यू किया था, करीब 40-45% पर्चियाँ बटी थी, मुख्य रूप से आज बटनी है। आज रात में फिर रिव्यू करेंगे और हम लोगों का ये एक पूरा प्लान है और पूरा उद्देश्य है कि हम इस बार 100% मतदाता पर्ची बांटें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व अवसर पर गोरखपुर पुलिस लाइन के तत्वावधान में संवेदनशील पुलिस, सुरक्षित समाज, सशक्त महिला विषय पर गोष्ठी का आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन के सभागार में किया गया, जिसमें IG नीलाब्जा चौधरी, SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, SP नॉर्थ गणेश साहा, SP चारु निगम और CEO और SO सहित महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गोष्ठी को IG नीलाब्जा चौधरी, SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, SP नॉर्थ गणेश साहा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर महिला कांस्टेबलों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP चारु निगम ने महिलाओं के कानूनी अधिकार को बताते हुए कहा कि क्या हमारी भूमिका है, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए और एटलीस्ट जो हम अपने परिवार के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कोई भी यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कह दे कि हमारे परिवार वाले पुलिस वाले पुलिस थाने गए, उनको बिना सुने हटा दिया गया, आप पैर भी लगाते हैं, फोन भी करते हैं, यहाँ वाले जजबर वाले हमें फोन करते हैं कि साहब मेरा घर आजमगढ़ या कहीं और है, थाने जाने सर दिखवा ली। तो कुल मिला के एक लाइन में ये मेरा कहना है, जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं करते हैं, जो उम्मीद अपने परिवार के लिए करते हैं, तो वो चीज भी दूसरों के लिए लागू कीजिए। तरीके हैं, थोड़ा सा बदलाव लाइएगा और ये मान के चलिए कि आप जैसा करेंगे वैसा ही पाते हैं। इसे आपको अभी यहाँ CEO साहिबान है, बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में जानकारी से व्यवहार कर लेते हैं, न्याय सुनिश्चित नहीं होगा। न्याय सुनिश्चित तब होगा जब उसको वास्तव में न्याय मिले। पीड़िता के साथ हो, चाहे दहेज हत्या वाले मामले हो, चाहे ईव टीजिंग वाले मामले हो, या फिर वो देख रहा हो कि जैसे रास्ते में ही चलते हुए ही किसी सरकारी वाले से त्वरित हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। एक समाज को मैसेज भी देना होता है, एक लंबी कार्रवाई होती है, एक होता है रजिस्ट्रेशन। जब इस सवाल का रजिस्ट्रेशन छोड़िए, ध्यान पूर्वक देखिए, जितना ज्यादा अच्छा ज्ञान होगा, जितनी नजरिया आपकी क्लियर होगी, उतना ही अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। वैसा ही आपको कहीं कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा और अच्छे से अच्छे एक परिवेश का जो हम बहाली करते हैं वो कर पाएंगे। तो मेरा अनुरोध है, जितने भी CEO साहिबान है, एडिशनल SP है, चारु निगम है, वो आपको एग्जाम्पल के साथ चीजें बताएंगे। और कम से कम जैसे SP गायब साहब ने कहा कि आज का दिन अगर आप बैठे हैं, आपने बहुत ही तकलीफ से, मैं ये 100% कहता हूँ, यहाँ जो भी आ रहे होंगे कोई खुशी मन से नहीं आया होगा, सभी को लगा होगा कि अरे कहाँ जा रहे नहीं जा रहे हैं। हो सकता है मैं भी कहीं और ड्यूटी जा रहा हूँ, अचानक मुझे भी कॉल आया तो मेरे मन में भी ये विचार आएंगे। तो आपको ये होना चाहिए आत्मविश्वास कि हाँ मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि कम से कम अपने जीवन, जब तक आपका जीवन है, जब तक आपकी सर्विस है, कुछ ना कुछ भला कर दूंगा। इधर आता है कोई, अगर आपसे मिलने आ रहा है, उसके चेहरे पे नजर आएगा कि वो सही है क्या गलत है। पेपर अपने पे झेलेंगे वो चीज, तब आप ही न्याय दे पाएंगे। इन्हीं के साथ मैं अपना शब्द को विराम देता हूँ और चारों निगम से अनुरोध करूंगा कि आपको सही चीजों का और सही चीजों का बताएंगे। धन्यवाद। कर्मचारी है क्योंकि यहाँ पे सब अंडर ट्रेनिंग दरोगा लोग भी आए हैं, तो ये जब
आदरणीय एसपी नॉट सर, एसपी क्राइम सर और साथियों, हमारी भूमिका कितनी सशक्त होनी चाहिए ये डे वन से पता होना चाहिए, और सिर्फ पता ही नहीं होना चाहिए, उसे इंप्लीमेंट करने के तरीके हमें खुद ईजाद करने होंगे, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी हम पढ़ लेते हैं लेकिन वाकई में उस जस्टिस को हम कॉमन मैन तक कैसे कन्वे कर पाएंगे, और वो कन्वे करने के बाद वो इतना रिलैक्स्ड फील करे कि उसे कभी भी थाने के परिसर में आने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, वो हमसे बहुत सहजता से कहीं भी मिल सके, हमारी गाड़ी के पास आके मिल सके, हमारे ऑड आवर्स में हमसे बात कर सके। तो जिस समय हम ये चीजें कर देंगे तो शायद हम अपने भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे और लोगों को न्याय कन्वे करने के एक हम साधन भी बन पाएंगे। अब कर काम करें एक लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब बराबरी के, बराबरी के अवसर पर रखकर उसके विचार करें, उसके साथ 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 खड़े होकर सोचें, एक पीड़िता के दृष्टि से सोचें तो सहानुभूति पैदा होगी। पीड़िता के तौर पर सोचने पर सहानुभूति पैदा होती है, तब सहानुभूति पैदा नहीं होगी, और सहानुभूति उस पीड़िता के स्वाभिमान को, उसकी कॉन्फिडेंस को खराब करती है। इसकी बजाय जब सहानुभूति से हम सोचते हैं तो हम उसके पक्ष में स्वाभाविक निर्णय लेते हैं और वो कानूनी होता है, लेकिन जब हम सहानुभूति की तरह देखते हैं, जैसे कई बार ऐसा कहते हैं ना, पहले विकलांग चलता था और दिव्यांग चल जाएगा, ये सहानुभूति के कारण ही हो पाया। सहानुभूति में हम विकलांग कहते थे, कुछ और कहते थे, अब हम कहते हैं दिव्यांग कहते हैं। पहले हम बच्चों के बारे में कहते थे कि ये तो थोड़ा मंदबुद्धि है, अब हम कहते हैं कि ये डिफरेंटली एबल्ड है। चीजों को कहने का तरीका बदलने लगा क्योंकि हम इन शब्दों के फर्क को समझने लगे। ये शब्द नहीं है अपने आप में विचारधारा है, ये वो शब्द हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनसे हमारी सभ्यता का निर्माण होता है। धीरे धीरे महिलाओं के साथ व्यवहार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ हमेशा ही अपने कानूनी अधिकारों और कानूनी कर्तव्यों को छोड़कर और एक ऐसे भावुकता में प्रवेश करके वार्ता करें, एक ऐसी स्थिति में बात करें जहाँ पे अगले को एहसास होती है तो बड़ा ही भावुक है। भावुकता और संवेदनशीलता में भी अंतर होता है, चाहे वो छेड़खानी जैसी घटना हो। पुलिस पहली एजेंसी है जिससे जनता का संपर्क होता है, जब उस पहली एजेंसी पर दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है तो उस व्यक्ति का न्याय में विश्वास कम होने लगता है, और न्याय के समान अवसरों और न्याय की समानता के बारे में हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इस बारे में बहुत दृढ़ है और स्पष्ट है। जब हम यदि महिला आपके सामने है तो उसके साथ आप सदव्यवहार करें और ऐसा व्यवहार न करें जिससे कि पुलिस की छवि या समाज में, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की छवि और व्यवस्था की छवि, शासन की छवि, कानून की छवि, लोकतंत्र की छवि धूमिल। आपका जो ये विमर्श है, आप जो लोग इकट्ठा हुए हैं ये हमारे प्रदेश के मुखिया के आदेशानुसार हुए हैं, मगर शायद हमें ये हमेशा ही करते रहना चाहिए था। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुख्यालय से, डीजीपी मुख्यालय से निर्देश आए हैं कि 6, 7, 8 को यूपी पुलिस जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के क्रम में 3 दिवसीय कार्यक्रम करेगी, जिसमें 6 तारीख को जो कार्यक्रम है उसमें हम अपने अधीनस्थ जो नियुक्त कर्मचारी गण हैं उनको जो अलग अलग तरीके की महिलाओं के जो भी अपराध घटित होते हैं या किसी भी समस्या से महिला जब पुलिस के टच में आती है तो उस समय उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से संवेदनशीलता से उनसे बर्ताव करना चाहिए और अलग अलग कानूनों में क्या क्या कमियां रह जाती हैं, उन सब के बारे में उनको संवेदनशील बनाया जाएगा, जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आज जो कार्यक्रम है उसमें IG सर आ रहे हैं, SSP सर आ रहे हैं, SP क्राइम है, SP नॉर्थ हैं और मैं हूँ, 2 CO महिला अधिकारी हैं, सब लोग जो हैं जो अधीनस्थ नियुक्त हैं उन सबसे वार्ता करेंगे, सब बात करेंगे। सबसे ज़्यादा घटना देखा जाए तो घरेलू हिंसा की होती है महिलाओं के लिए, महिला पुलिस के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसमें, उसके लिए क्या बताया गया? जो घरेलू हिंसा
हिंसा के केस होते हैं उसमें संवेदनशील बनाने के लिए ये जानकारी दी जाएगी कि जब 498A का केस आता है तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वादिनी का बयान, वादिनी या फिर पीड़िता का बयान। कब देखा जाता है कि वादिनी जो होती है, वादी उस इन केसेस में या तो लड़की के भाई होते हैं या पिता होते हैं, तो जब वादी का बयान सही तरीके से नहीं होता है, इसमें पीड़िता का बयान प्रथम उसमें होना बहुत ज़रूरी है। एक इसमें जियो है कि जो भी 498 के केसेस होते हैं, घरेलू हिंसा के केसेस होते हैं, उन सबको मीडिएशन में भेजा जाता है, क्योंकि हर इसमें प्राथमिकता ये होती है कि अगर छोटा मोटा विवाद है, इस तरीके का विवाद है, तो घर बच जाए। एक ये कानून में ही के प्रावधान में ही आता है। तो इसके इसमें जब तक वादिनी का बयान नहीं होगा तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि जो विवाद है वो किस स्तर का है, क्या वो पीड़िता को जो है हानि पहुंचा सकता है, और ये मीडिएशन में जाने लायक केस है कि नहीं है, उसमें पीड़िता का बयान होना चाहिए। इस तरह की बातें जो है इस कार्यशाला में संवाद में बताई जाएंगी। जो घरेलू हिंसा होती है वो एक चार दीवारी के अंदर है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पीड़ित महिला है वो प्रशासन मतलब पुलिस के संपर्क में आए। किस तरीके से आएगी, कई बार हम ऐसे केस देखते हैं कि जो महिला होती है पीड़ित, उसके परिवारजन आते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी को हम साथ में तो नहीं रख सकते हैं, हम उसी के घर भेज दीजिए। तो जहाँ प्रताड़ना दी जा रही है उसी घर में वापस करने के लिए एक प्रक्रिया तो होनी चाहिए। वो चीज़ कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, इवन जो पीड़ित महिला होती है उसके घर वाले भी नहीं लेते। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो महिलाओं जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है उनके परिवार का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आप उस समय उस महिला का समर्थन करें, पुलिस प्रशासन का जो है उस पर भरोसा कर उनसे संपर्क में आए, और इतना समय जो है उसके पास होना चाहिए कि वो अपनी जो व्यथा है वो बता सके, ताकि जो घटना करने वाले व्यक्ति हैं अगर तो इस स्थिति पर है कि इसको सुलझाया जा सकता है तो वो समय भी उसको मिलना चाहिए, और नहीं है तो उनको जो है मतलब ब्लड मिलना चाहिए। तो विवेचना का जो समय है उस समय पर महिलाओं को वापस उनके घर में भेजना, किसके भरोसे भेजा जाएगा, इस सब के लिए महिला का एक तो विश्वास होना पुलिस के ऊपर और उसके परिवार का उस समय पे उसका समर्थन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही एक सुझाव रहेगा कि जो भी महिलाओं के साथ इस तरीके की कोई घटना हो रही है वो उस जिस जगह पर उसके साथ प्रताड़ना हो रही है उससे बाहर निकले, प्रशासन के पास आए और कहीं ना कहीं उस जगह से थोड़ा दूर रहे। लोकसभा उपचुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें अपर कार्मिक अधिकारी बीएन मिश्रा ने मतदान कर्मियों को मतदाता सूची से वोटर को वोट देने, चुनाव ड्यूटी में लगे मतदान कर्मियों को उनके मताधिकार के प्रयोग किए जाने सहित विभिन्न जानकारियाँ दी। वीवीपैट की पर्चियां हर हाल में निकाल के काउंट करके उसे सील करके जैसा बताया गया है। दूसरी चीज ये है कि कंट्रोल यूनिट के जो मार्कपोल आपने कराया है, रिजल्ट बटन दबा करके दिखा दिया है इस पार्टी को कितने कितने वोट्स मिले हैं, उसके बाद क्लियर बटन दबाना मत भूलिएगा। क्लियर सफेद रंग का क्लियर बटन दबाना किसी भी दशा में मत भूलिएगा। वो 50 कोट जो मानपुर का आपने डलवाया है उन्हें आपको हर हाल में उसे डिलीट करना है, तो कतई क्लियर बटन दबाना मत भूलिएगा। कभी कभी ऐसा हो गया है कि आपकी छोटी सी त्रुटि, छोटी सी लापरवाही की वजह से क्लियर बटन नहीं दबा और पता चला कि 12 बजे कोई मजिस्ट्रेट जांच करने पहुंचे, उन्होंने टोटल बटन दबाया, वोट कुल पड़ा है 125 और मशीन में दिखा रहा है 175, क्योंकि 50 उसमें बढ़ गया है, इसलिए क्लियर बटन दबाना मत भूलिएगा। 7 बजे आपका मतदान प्रारंभ होगा। सायंकाल जब मतदान समाप्त होता है तो दो इम्पोर्टेंट बातें, एक तो ये कि आप तत्काल जैसे ही 5 बजता है या अंतिम मतदाता अपना वोट कास्ट कर लेता है तो वहां उपस्थित एजेंट्स को टोटल का बटन दबा करके दिखा दीजिए कि कुल कितने वोट पड़े हैं, खुद भी नोट कर लीजिए, और दूसरा काम तत्काल कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबा करके मतदान बंद कर दीजिए। इसके बाद से होली की प्रक्रिया जारी रखिए। एक तो वो सूची मुकम्मल आपको मिली है ये देख लीजिएगा, उसका नाम पहले पुरानी सूची में है पर अभी पुनरीक्षण के दौरान किसी कारण से उनका नाम उसमें से डिलीट हो गया, ठीक है, वो विस्थापन कारण हो सकता है, लंबे समय से अनुपस्थिति कारण हो सकता है या डेथ होना हो सकता है, बट क्योंकि आपके
रोड यानी बाहर एजेंट के पास जो मतदाता सूची पुरानी वाली है उसमें से वो डेलीगेट नहीं है, कोई अगर वोटर ऐसा आता है और आपसे जिद करता है कि हमारा तो नाम है तो आप दिखाइए, देखिए आपका मतलब रोल से आपका नाम डिलीटेड है और हमारे पास ये सूची भी है, ठीक है। उसको तीसरी चीज ये है कि मान लो कि 1020 को वोटर है आपके पास, तो एक व्यवस्था कमीशन ने ये किया है कि हर मतदान कार्मिक जो ड्यूटी पर है उसमें हम भी सम्मिलित है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी है, वीडियोग्राफर फोटोग्राफर भी है, इक्वली जो अन्य लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं मतदान अधिकारी सभी लोगों के लिए ईवीसी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए बाहर काउंटर्स लगे हुए हैं, वहां से प्रपत्र 12A प्राप्त करके आप अपनी ड्यूटी स्लिप और जो आपका मतदाता पहचान पत्र है उसकी फोटो कॉपी लगा के फॉर्म भर करके 12B में ईवीसी आप प्राप्त कर लेंगे। ईवीसी धारक का मतलब है कि उसको ये अधिकार मिल गया कि पांचों विधानसभा में जहां चुनाव कराया जा रहा है किसी भी पोलिंग बूथ पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। आपको ध्यान देना है कि मतदाता सूची आपको मिली है 120 मतदाताओं की और 5 ईडीसी वाले आ गए इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट वाले, तो अब टोटल आपका कितना हो जाएगा 1025 क्योंकि 5 आपने बढ़ा लिया। ये जो 5 ईडीसी वाले आए हैं उनकी प्रॉपर एंट्री 17 कैसे होगी? मंगलवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर में शाखा अध्यक्ष जनेश्वर ठाकुर के आयोजन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में परिचालक अच्छे लाल यादव ने लोक गीत गाकर सबका मन मोह लिया। इस मौके पर शाखा मंत्री अजय कुमार, जयप्रकाश दुबे, महेश राय, कृष्णचंद श्रीवास्तव, कैलाश प्रसाद, राम नारायण विश्वकर्मा, राकेश श्रीवास्तव सहित अन्य रोडवेज कर्मी मौजूद रहे। सिद्ध संत परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गीता वाटिका में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया।
वृंदावन से आए कथा व्यास पूज्य श्री लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री वृंदावन के श्रीमद् भागवत पुराण कथा पाठ शुभारंभ किया। कथा सुनने आए श्रद्धालुओं ने बड़ी उत्सुकता के साथ कथा का अनुसरण किया। बताते चलें कि गीता वाटिका परिसर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन 6 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगा। हरि 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 सुन ले करो मन हरि 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 और व्यासदेव जी ने यही ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया और सुखदेव जी महाराज ने भागीरथी गंगा के किनारे इसी भागवत महापुराण का ज्ञान सुखताल में राजा परीक्षित को श्रवण करके सुनाया। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं, द्वादश स्कंद हैं, राजा परीक्षित और श्री सुखदेव स्वामी जी का संवाद है। इसी को हम लोग भागवत महापुराण के नाम से जानते हैं। ये प्रसंग कहकर के बताया है कोई व्यक्ति एक श्लोक का पाठ करे, आधे श्लोक का पाठ करे, एक पद का पाठ करे, तब भी उसको बड़ी बड़ी यज्ञों के फल का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जन्म कोटि कृतम पापम, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का शमन हो जाता है। नारद जी महाराज से यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत् सर्वं शब्दा श्रवणे रहे। उन्हें जिस फल की प्राप्ति तपस्या से नहीं होती, योग से नहीं होती, समाधि से नहीं होती, अनायासेन तत् सर्वं बिना कुछ किए कोई व्यक्ति भागवत की कथा का श्रवण कर लेता है तो उसे उसी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहकर के बताया है। जब इस प्रकार से प्रश्न करा, यहाँ पर प्रश्न कर दिया कि भागवत जी का इतना महत्व क्यों है, ये हम जानना चाहते हैं। उसी समय कहकर के बताया, जब श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री हरि धरती पर 125 वर्ष सवा सौ वर्ष पूरे करने के बाद में धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम को जाने लगे, उसी समय उद्धव जी महाराज आए और उद्धव जी महाराज ने कहा मैं भी आपके साथ में चलूंगा। उसी समय श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा मैं उद्धव कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं स्वकीयम यद भवेत तेजो तत् भागवते दधा। उसी समय कहा स्वकीयम यद भवेत तेजो तत् भागवते दधा, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ और त्रोधाय प्रवश्तोयम श्रीमद् भागवतारम्भम्। हाँ, बोले मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ
और मैं एक रूप से अपने स्वरूप से श्रीमद् भागवत जी में ही विराजमान हो रहा हूँ। इसलिए भैया तेरे बालमयी मूर्ति जो बाद्य बिहारी है, जो कन्हैया है, वही भागवत है, वही भागवत महापुराण है। इस प्रकार से कहा, इसलिए जो इतनी इसलिए इतना महत्व भागवत महापुराण का कहकर के बताया है, तो तेनियम वाणमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये तो साक्षात श्री हरि का वाणमय स्वरूप है, इस प्रकार से बताया है। अब इस प्रकार से जब कथा का अनुरूपण किया, उसी समय महाराज क्या हुआ और कीर्तन होने लगा, और कीर्तन के मध्य में भक्ति महारानी जो श्री राम वृंदावन में थी, अपने दोनों बेटाओं को लेकर के हरिद्वार में भागवत सप्ताह के मंडप में आकर के प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। उनको लेकर के भागवत कथा के मंडप में आकर के नृत्य करने लगी है। तब तो महाराज प्रसन्न हो गई, ये भागवत महापुराण की कथा है ही ऐसी जिसने भक्ति महारानी के दुख को भी दूर कर दिया। तब तो महाराज उसी समय जब आकर के भक्ति महारानी नृत्य करने लगी, नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए कि आपके दोनों बेटा भक्ति महारानी से कहने लगे, आपके दोनों बेटाओं का दुख दूर हो गया, बुढ़ापा दूर हो गया, दोनों जवान हो गए। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से कहा, अब मैं कहा हूँ, तो नारद जी महाराज ने कहा, वैष्णव मानसानी, अब आप साधकों के वैष्णवों के हृदय में निवास करो। बोले का दुराग्रह देखा, बोले ऐसे मानेगा नहीं, जो मेरे हरि की इच्छा अपनी झोली में हाथ दिया और महाराज ने फल झोली में से निकाला। मंगलवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का एक मैच आतिफ क्रिकेट एकेडमी और एनी रेलवे वर्कशॉप के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आतिफ के सलामी बल्लेबाज अंजनेय सूर्यवंशी ने नाबाद 102 रन और निखिल राव ने 114 रनों की बदौलत 35 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 244 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें निखिल और अंजनेय ने रिकॉर्ड 220 रनों की शतकीय साझेदारी की। 245 रनों का पीछा करने उतरी रेलवे की टीम 35 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 235 रन ही बना सकी। रेलवे की तरफ से प्रवीण ने 16 चौकों और 2 छक्कों की मदद से संघर्षपूर्ण नाबाद 115 रन जरूर बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत हासिल नहीं करा सके। Ah!
अरे न्यूज में आया भाई गया। चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं फिर से प्रमुख हेडलाइंस पर। राजबब्बर ने कहा कांग्रेस अपने सिद्धांतों को ताक पर रख कर किसी से नहीं करेगी गठजोड़। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम के पक्ष में आए थे करने प्रेस वार्ता। मतदाता जागरूकता के लिए जिला प्रशासन ने कराई वोट फॉर रन थीम से दौड़। डीएम सहित जिले के सभी हाकिमों ने दिखाया अपना दम। स्कूली बच्चों सहित भारी संख्या में प्रतिभागियों ने किया शिरकत। गोरखपुर पहुंचे वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा जल्द ही पूरा होगा चिड़ियाघर का काम। विनोद भवन भी बनेगा पर्यटक केंद्र। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की बैठक। पोलिंग पार्टियों के रवानगी और स्ट्रांग रूम की दी गई जानकारी। चित्रगुप्त मंदिर के सम्मान समारोह में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भाजपा प्रत्याशी पर नहीं पड़ेगा गठबंधन का असर। राष्ट्रीय लोकदल के नेता ने किया साइकिल का साथ। कहा सपा के साथ ही है किसानों का भी हित। हमेशा के लिए बंद हो गया कौवा बाग क्रॉसिंग का रेलवे ढाला। जल्द ही पूरा होगा अंडरपास। गोलघर के अतिक्रमण पर चला नगर निगम प्रशासन और यातायात पुलिस का चाबुक। दीक्षा भवन में प्रशिक्षण ले रहे मतदान कर्मियों को डीएम ने दिए टिप्स। कहा सकुशल संपन्न कराएं चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व आयोजित गोष्ठी में महिलाओं के अधिकार पर वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। पीठासीन व मतदान अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव के लिए किया गया प्रशिक्षित। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय कार्यशाला का हुआ होली मिलन समारोह। भाई जी की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गीता वाटिका में शुरू हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ। और गोरखपुर क्रिकेट लीग में आतिफ एकेडमी ने रेलवे वर्कशॉप पर 9 रनों से की रोमांचक जीत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।